एक अहम खबर और आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ये सोर्सेस के हवाले से हमारे पास अपडेट आ रही है। बंगाल में सीआरपीएफ की 20 से 25 कंपनियां भेजी जाएंगी, ये बड़ी अपडेट है। और अहम जानकारी ये है कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये संभावना है। पीयूष पांडे का हम रुख करेंगे जिनके पास ये अहम अपडेट आ रही है। पीयूष जरा बताएं, और साथ ही साथ असम में आपने थोड़ी देर पहले ये खुलासा किया था, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, डिटेल बताएं। जी समीर, देखिए इस बारे में मेरी जो बात हुई है उसमें ये निकल कर सामने आया है, चूँकि कोरोना के मद्देनज़र जो भी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं उसमें जो चरणों को बढ़ाने की मांग थी पिछले चुनाव में, पश्चिम बंगाल में जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 6 चरणों में पूरा कार्यक्रम आयोजित कराया गया था चुनाव का, और इस बार 1 चरण बढ़ा करके ये चुनाव कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा, जबकि असम में 2 चरणों में होगा और इसके अलावा केरला में भी 2 चरणों में चुनाव आयोजित कराया जा सकता है, जबकि पिछली बार 1 चरण में चुनाव कराया गया था। हाँ, और इस बार भी पीयूष ज्यादातर लोग ये कह रहे थे, ये संभावना जता रहे थे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 ही चरण में चुनाव होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तमिलनाडु में आप 2 चरणों में बता रहे हैं चुनाव होगा। जी समीर, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि केरला में 2 चरणों में होगा, अच्छा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 चरण में होगा, असम में 2 चरण में होगा, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है जो सूत्रों ने हमें बताया है। इसके पीछे जो वजह है वो कोरोना भी है, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चरणों में चुनाव कराने की मांग भाजपा की ओर से की गई थी, और चुनाव आयोग हिंसा की जो घटनाएं पिछले दौर में हुई उसके मद्देनज़र भी, और जो केंद्रीय बल का डिप्लॉयमेंट है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें तय करेगा कि 7 चरणों में चुनाव कराया जाए, ऐसी संभावना हमारे जो सूत्र हैं उनकी ओर से जताई गई है। और शाम 4:30 बजे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में, असम में, केरला में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में कितने चरणों में चुनाव होगा। जी समीर, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।